इंतकाल हो गया। मैं पहले आना चाहती थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो बिल्कुल मेरी बिल्कुल वालदा की तरह थी। बहुत शफकत अपना वो हर वक्त हम पे निछावर करती थी, और ये घर है, इसके साथ हमारा बड़ा ताल्लुक रहा है और आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। वो बहुत बुरा है कि वो बिल्कुल ही हैवानियत की मिसाल है, और अच्छा है कि वो जो उसमें मुलव्वस थे उनको अरेस्ट किया गया। उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची जो है इस वक्त भी अस्पताल में है, बहुत बुरी हालत में है वो। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में कोई इस किस्म की जो है हरकत ना करे। हाल ही में बजट पेश हुआ, उसको लेके आपका देखिए। अभी तो मैं खास कर ये जो यहाँ पर लोगों का जो अवामी मसला है सिंध नाले सिंध के बारे में, तो उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। ये खाली यहाँ नाले सिंध की बात नहीं है, आप जम्मू में देखिए, कश्मीर में कहीं भी देखिए, जितने भी हमारे नाले हैं जहाँ हमारे बेरोज़गार, जहाँ हमारे गरीब लोग काम करते थे, उसमें बाजरी, उसमें रेत निकालते थे और अपना रोज़गार चलाते थे। बदकिस्मती से जब से 370 ख़त्म हो गया है, इसके ठेकेदार भी बाहर से आए हैं, और बाहर से बड़े बड़े लोगों को ठेका मिला है, वो यहाँ इसको जो रेत बाजरी हर चीज़ यहाँ से लेके जाते हैं, मगर जो यहाँ के असल रहने वाले हैं, जिनका इस पे हक है, उनको इससे बिल्कुल ही महरूम किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ बेरोज़गारी दिन ब दिन और बढ़ रही है। रोज़गार तो दे नहीं पाते हैं, मगर जो लोगों के पास रोज़गार है उससे भी लोगों को महरूम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सलाम अलैकुम। Thank you.